गुरु भाई ठक्कर, डॉक्टर खुशी गुरु भाई और गीत ठक्कर फोटोशूट, टॉप फाइनलिस्ट परफेक्ट मिस इंडिया 2020 सीजन 3। गुरु भाई ठक्कर और प्रदीप अरोड़ा की बहुत जल्द शॉर्ट सीरीज आने वाली है। टेंटेटिवली नेम केक अंकल श्रुति जैन, विनर ऑफ परफेक्ट मिस 2019 जलगांव से चाइल्डहुड देवी अनिका नायडी, मुंबई से परफेक्ट चैंप्स ऑफ इंडिया 2019 और कई सीनियर आर्टिस्ट इसमें शामिल होंगे। मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र, और मैं परफेक्ट मिसेस इंडिया 2020 की फाइनलिस्ट हूँ। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन, मैं प्रैक्टिस करती थी, बट आफ्टर मैरिज माय आई एम अ सुप्रीम अथॉरिटी यू कैन से इन माय हाउस, एंड माय सन एंड माय हस्बैंड इज माय प्रायोरिटी। ये परफेक्ट मिसेस इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि एज इज जस्ट अ नंबर, and it was always my dream and it was always somewhere in the back of my mind to participate in this contest. So I got myself registered, I got motivated basically from this organization, especially Prerna madam, and then I started preparing for this. I am also a Kathak dancer, enthusiastic marathon runner, motivated, determined trekker and housewife by choice. Dr. Khushi ma'am aur Guru bhai Thakkar ke bare mein kuch kehna chahenge, jaise unke saath mile. मैं खुशी मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ, इनके इनफैक्ट जो हमेशा अपडेट होते हुए देख रही हूँ। मुझे लगता है कि शी इज़ अ वॉइस ऑफ साइलेंट, मतलब यू कैन से शी इज़ अ रोर ऑफ साइलेंट बियॉन्ड ऑल वुमन लाइक वर्स लाइक मी। जैसे कि हम लोगों को कुछ करना हम चाहते थे लेकिन हम लोगों को कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जैसे कि मैं बहुत सालों से चाहती थी, ये मेरा ड्रीम था कहीं ना कहीं। तो आज मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम, मेरी जर्नी आज शुरू हो गई है फोटो शूट की वजह से, और आई एम ऑन द राइट वे, ऑन द राइट पाथ यू कैन से। देर इज ऑलवेज वन डिजायर, हर एक की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, हर एक का कुछ ना कुछ एक ड्रीम रहता है। इफ़ यू आर ड्रीमिंग, इफ़ यू आर एनी ड्रीम, जस्ट डू इट। यू शुड जस्ट हैव सम गट्स, सम करेज, यू हैव टू मोटिवेट यूर सेल्फ, नो वन एल्स विल मोटिवेट यू। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, एंड वंस यू स्प्रेड योर विंग्स यू विल कम टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर विंग्स, यू विल कम टू नो द आइडिया, यू विल गेट द आइडिया ऑफ इट। जस्ट बी योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ, and the most important thing is don't ever wait for an opportunity in your life, don't wait that opportunity will come and knock the door, just be open yourself and the opportunities are at each and every step of your life. Okay, hello everybody, I'm Shailaja Thakkar and I'm from Mumbai and I have participated in Perfect Mrs. India contest. I am basically a life coach, I coach people
टू चेंज देयर माइंड सेट एंड अचीव एवरी थिंग दैट दे विश टू हैव इन देयर लाइफ एंड या दैट्स अबाउट मी। श्योर। सो कमिंग इन पार्टिसिपेटिंग इन परफेक्ट यू नो मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम विच वॉज नॉट रियली रियलाइज बिकॉज आई नेवर टुक इट सीरियसली। सो वाइल आई वॉज यू नो कोचिंग अदर्स आई रियलाइज दैट आई ऑल्सो नीड टू स्टार्ट परस्यूइंग माई ड्रीम एंड वॉट बेटर देन दिस प्लेटफॉर्म दैट आई एम गेटिंग बिकॉज आई कैन एक्चुअली लीव यू नो अ लेगेसी एंड आई कैन अचीव वॉट एवर आई विश इन माई लाइफ थ्रू दिस पेजेंट एंड ऑब्वियसली माई कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज बाई पार्टिसिपेटिंग एंड विनिंग द क्राउन। So I had this in mind and suddenly the ad popped up on Instagram and there was a question about, you know, what according to you a woman, perfect woman's definition is. So this is something which is always in my mind because I also want to help women achieve whatever their dreams are. So that's the reason I just reverted whatever, you know, came to my mind that how a perfect woman is, like every woman is perfect according to me. So yeah, so I replied and they've shortlisted my profile and then further processing happened and yeah, so I got shortlisted and I'm here now as a finalist. Guru Bhai and Khushi Ma'am and Geet Ma'am have always been, you know, a true support system. Yes, they are giving a very good platform to all the women of India to realize their dream, which is a big thing. So yeah, a big thank you to all of them that, you know, something which I have also been wishing for is going to be fulfilled through this platform. So creating this platform is again an amazing thing that they have done and I've always been thankful to them for this. Any messages for girls and women? Yes, just go for your dreams. Don't think and procrastinate. You know that you can achieve everything in life provided you start taking that first step. So start taking that first step and go for it. Achieve everything that you wish in life. Introduction. Okay, myself Priya Vijayarochinamani. I belong from the Mumbai city and I'm 36 young. यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ भी स्ट्रगल नहीं लगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे हर चीज़ ब्लिसफुली चालू हुई है एंड पॉजिटिव वे से मैंने लिया है तो हर चीज़ इजीली गई है मेरे, अच्छी तरह से गई है यहाँ से। एक्चुअली तो फर्स्ट टाइम तो मेरा लिंक से हुआ था, जब रजिस्ट्रेशन करना था मुझे, मेरे सामने लिंक आया था परफेक्ट वुमन 2020 का, तो ये मुझे यूनिक लगा वर्ड परफेक्ट मिसेस 2020, तो कुछ अलग लगा तो मैंने इनको रजिस्ट्रेशन किया था कि कुछ करना चाहिए, अलग वर्ड है तो कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं लिंक में गई, रजिस्ट्रेशन किया, देन आई गॉट सिलेक्टेड, देन आई हैव कम अवे। ऑफकोर्स दे आर वेरी वंडरफुल पर्सन बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा स्टेज ऑर्गेनाइज किया है फॉर वर्किंग वुमन के लिए एंड हाउस वाइफ्स के लिए, हमको अपॉर्चुनिटी दी है कि टू शो क्रिएटिविटी एंड टैलेंट हो गई है। मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि बिलीव इट और नॉट बट बिलीव योर सेल्फ। या मेरा नाम विजय है एंड आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। मैं इनका हस्बैंड, प्रिया का हस्बैंड हूँ एंड कमिंग फ्रॉम द वेरी यू नो conservative family, so this is like a first experience, first time experience for me to come on a camera and speak like this. Actually I support her in every way, like you know, every try to, you know, at least make her happy, make her smile, because I still believe, or I believe in something that, you know, a woman is incomplete without her smile. So if I can bring her smile on her face, there is nothing like that. Perfect Woman Achievers Award, ये हमारा fifth year है एंड इसमें जिन लोगों ने श्रेय दिखाया है
कुछ करके जो दिखाया है उनको हम सम्मानित करते हैं विद दिस अवार्ड। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का क्या आपका सहयोग रहा सर के साथ और कैसा वो परफेक्ट वुमेन 2020 के? हम तो ये चाहते हैं कि ये जितने भी वुमेन हैं वो तरक्की करें और उनको उनके घर वाले उनको साथ संजोग दें जिससे कि कुछ तरह लेडीज़ भी आगे बढ़ने का पूरा चांस मिले उनको। जैसे कि सर गुरु सर के साथ आपका किस तरह का सर सहयोग है, देखते हैं हर प्रोग्राम में आप तो रहते हैं। गुरु सर के साथ हमारा भाई जैसा संजोग है, हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़ते जाएं क्योंकि हम इनके साथ हैं, बहुत खुशी मिलती है इनके साथ काम करने में और अच्छा भी लगता है। जैसे कि सर देखा जाए आए दिन आज महिलाओं को कुछ सम्मान नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ हस्बैंड होते हैं कुछ जो महिलाएं अपना कुछ कर्तव्य करना दिखाना चाहती है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो उनके लिए ये है कि जो हस्बैंड ऐसा सोचते हैं ना उनके विचार सही नहीं है, उनको चाहिए कि अपने वाइफ या बच्चों के ऊपर भरोसा कर रखना चाहिए, वो थोड़ा उनके साथ उनका साथ देंगे तो बच्चे भी आगे जाएंगे, उनकी वाइफ भी आगे जाएंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो परफेक्ट वुमेन अचीव अवार्ड 2020 सीजन 3 फिफ्थ अवार्ड ये कब होने वाला सर? ये दिवाली के बाद हम डेट डिक्लेयर कर रहे हैं, मे बी दिसंबर दिसंबर 2020 थर्ड वीक में हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसा कि मुझे कुछ खबर मिली है सर कि आप कुछ मूवीज़ वगैरह आने वाले शॉर्ट, उसके बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहेंगे? हम दिवाली के बाद शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं और वेब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारी जो लास्ट ईयर विनर थे अनिका नंदी और श्रुति जैन, उनके साथ एक केक अंकल टेंटेटिवली टाइटल है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि जितने लोग आना चाहते हैं आइए, बिकॉज वुमन शुड कम आउट, बिकॉज दिस इज़ अ मीडियम, दिस इज़ ए माध्यम है जिसमें औरतों को आना चाहिए, निकलना चाहिए और अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। ठीक है सर, पिछली बार काफ़ी तैयारियाँ थी, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, इस बार कोविड-19 की तरह लोग जैसे एक दूसरे से मिलना भी कम कर दिए हैं, तो इस बार क्या तैयारियाँ और क्या कुछ देखने को नया मिलेगा? हाँ, बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे इस बार, लोग कम रहेंगे, मीडिया वाले आप जैसे है सब ज़्यादा रहेंगे और बहुत एहतियात वर्क के काम किया जाएगा, यानी शो किया जाएगा। माय नेम इज़ स्मिता कोहली। माय नेम इज़ दीपा उनौने। माय नेम इज़ हेमल सावंत। कंटेस्टेंट जो रहते हैं उनके आउटफिट के हिसाब से हम लोग उनको मेकअप करते हैं, तो उनके ऑलरेडी फेसेस बहुत ब्यूटीफुल है तो हम उसे और एनहांस करने की कोशिश करते हैं, जो नेचुरली ब्यूटी है वो और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओनली कॉन्टरिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो वो हम करते हैं और आई मेकअप पे ज़्यादा। थैंक यू गुरु भाई सर एंड खुशी मैम और गीत मैम कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम फाइनलिस्ट के मेकअप हेयर एंड सब कर सके। और कंटेस्टेंट भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। टीम वर्क तो बहुत ही अच्छा है, कोऑर्डिनेट करते हैं हम एक दूसरे से। एंड अभी आप जो देख ही रहे कि हम क्या नहीं, इसलिए तो टीम वर्क है, इसीलिए तो हम लोग टीम वर्क करते हैं। हाँ, लक्ष्मी की तरफ से गुरु भाई और खुशी मैम को क्या बोलना चाहेंगे कुछ आप लोग भी? थैंक्स टू गुरु भाई, थैंक्स। और बहुत ही अभी हम उनसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया उन्होंने हमें, और क्या बोल सकते हैं, और अप्रिशिएट बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहेंगे उनको कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिसेस पूजा रोहित निसर एंड आई एम फाइनलिस्ट ऑफ परफेक्ट मिसेस इंडिया 2020 सीजन 3। रिसेंटली मुझे परफेक्ट वुमेन टीम से परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड मिला है एंड दैट इज़ फॉर द एजुकेशन एंटरप्रेन्योर। आज ये अवार्ड पाके मैं मुझे इतनी खुशी मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स गुरु भाई ठक्कर सर को, डॉक्टर गीत मैम एंड डॉक्टर खुशी मैम, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लायक समझा कि ये मैं प्लेटफॉर्म पे आ सकती हूँ, और ये अवार्ड मिलने की वजह से आई फील इतना सेफ
कि ये प्लेटफॉर्म से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ. मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, तो उन्हें भी ये काफ़ी सेफ लग रहा है, काफ़ी प्रोटेक्टिव लग रहा है. तो इसी से मैं अपने सारे एजुकेशन के सपने पूरे करना चाहती हूँ. एंड इवन आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू ऑल द वुमेंस, आप लोग भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बाहर आना पसंद करो. आप अपना जो इनर टैलेंट है उसको बाहर निकालो, एक नई दिशा में लाओ, और ये जो वुमेन टू वुमेन है ये सपोर्ट को आगे बढ़ाओ.